अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अतलसुल इस्लाम क्विज शो की किस नंबर एक के साथ फाल्कन हाउस ऑफ लर्निंग गुजरांवाला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा उन्वान है वो है उलूमुल कुरान। तो चलें आज का पहला क्विज शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी कब पैदा हुए? ऑप्शन है ए 1503, बी 1603, सी 1703 या फिर डी 1803। मूव करते हैं सवाल नंबर दो पे। दूसरा सवाल है, अल्फौजुल कबीर का तीसरा बाब किसके मुतल्लिक है? ए अलोमे खमसा, बी असलूब बयान, सी तफसीरुल कुरान या फिर डी नज़्मुल कुरान। आज का सवाल नंबर तीन, इल्मे असबाब पर लिखी जाने वाली पहली किताब किसकी तालीफ है? ए शाह वलीउल्लाह, बी शेख अली मदनी, सी इब्ने तैमिया या फिर डी इमाम मालिक। सवाल नंबर चार, इंसान की सिफात को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना क्या कहलाता है? ए इफ्तरा, बी तशबिया, सी कनाया या फिर डी तसाहिल। सवाल नंबर पांच, अकानी में सलासा में अकनू में दोम किसे कहते हैं? ए बाप, बी बेटा, सी रूहुल कुद्स, डी तमाम। और आज का सवाल नंबर छह, मुखासमा की कितनी इकसाम हैं? ए दो, बी तीन, सी चार, डी पांच। सवाल नंबर सात, मौलाना गौहर रहमान के बकौल मनसूख आयात की तादाद क्या है? ए पांच, बी छः, सी नौ या फिर डी बीस। सवाल नंबर आठ, नसख की कितनी इकसाम होती हैं? ए दो, बी तीन, सी चार या फिर डी पांच। सवाल नंबर नौ, मुकत्यात के लफ्जी मानी क्या हैं? ए टुकड़े, बी मख्फी, सी एहकामात, डी दलाइल। और आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर दस, ऐसा काम जिसके करने का सवाब नहीं और ना करने का गुनाह नहीं क्या कहलाता है? ए मबा, बी मंदूब, सी
मकरू या फिर डी हराम। और आइए अब देखते हैं कि आपके जवाबी कापी में आपके कितने जवाब सही हैं। ये रहे सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 10 के जवाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जजाकल्ला।